हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं आपसे कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि आपने इस टाइम को कैसे यूज़ किया। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप ये विजुलाइज कीजिएगा कि आपका एक बच्चा है जो सारा दिन घर से बाहर रहता है, शाम को वो लौट कर आता है, तो आप उससे क्या क्वेश्चन करेंगे कि आपने सारा दिन क्या किया, आप क्या कर रहे थे और आप कहाँ थे? ऐसे ही जब हम भगवान से मिलेंगे तो भगवान हमसे ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि तुमने जो टाइम मैंने तुम्हें दिया था, जो जीवन मैंने तुम्हें दिया था, तुमने उसका क्या किया, कैसे यूज किया? हर व्यक्ति के सपने होते हैं, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी के भी कुछ सपने होंगे और आपने अपने सपनों को साकार किया होगा। कुछ सपने तो जरूर साकार किए होंगे, जैसे मूवी देखना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, कुकिंग करना, तरह तरह के व्यंजन बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। मुझे भी खिलाइएगा। यही है सपने, इन्हीं को हमें जीना है। ये हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने टाइम को कैसे यूज़ कर पाते हैं। और एक मुझे और भी बहुत प्यारी बात लगी, वो ये कि हम नेचर के और भी करीब आ गए। सुबह मॉर्निंग के टाइम उठना, ठंडी ठंडी हवाएं, ताजी हवाएं, फ्रेश हवाएं, चिड़ियों का चहकना, खुले आसमान की तरफ देखना, रात के टाइम तारे इतने प्यारे टमटमाते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि ऐसा लगता है देखते ही रहो। पहले आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता होगा क्योंकि हम बिजी इतना रहते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइम है तो शायद हम बालकनी में भी ज़रूर बैठे होंगे और हाथ में हमारे एक चाय का कप तो ज़रूर हुआ होगा, चाय की चुस्की तो हमने ज़रूर ली होगी। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, नदी, समुद्र, ये सब कितने शांत हो गए और साफ भी हो गए। ये प्रकृति का नियम है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, जो होगा, जो हो रहा है, जो हो चुका है, सब अच्छा ही हुआ है और अच्छा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास हो। और अच्छा है, ये हमें विश्वास करना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अपना ध्यान अपनों के लिए ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।